अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया बामुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा तीसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन डोमिनेटेड बाय इंडियन क्रिकेट टीम, बल्कि यूं कहना चाहिए कि डोमिनेटेड बाय ऋषभ पंत, शुभमन गिल और उसके बाद इंडिया की गेंदबाजी ने डोमिनेट किया। और इस टेस्ट मैच को अगर आप उठाकर देख लें तो पूरा का पूरा टेस्ट मैच जो है वो गेंदबाजों के जरिए ही डोमिनेट किया जा रहा है। अगर आज के पूरे दिन के खेल को आप उठा के देख लें तो टोटल 15 विकेटें गिरी हैं, जिनमें से 6 विकेटें जो थी वो न्यूजीलैंड की गिरी थी, और 6 विकेटें इंडिया की गिरी और 9 विकेटें जो है वो न्यूजीलैंड की गिरी हैं। अभी इस समय पर अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड 143 रन से आगे है इंडिया से, और टोटल 9 विकेटें जो है वो न्यूजीलैंड की गिर चुकी है। रविंद्र जडेजा बॉल ब्यूटीफुली 5 विकेटें पहली इनिंग में ली, 4 विकेटें अभी तक वो दूसरी इनिंग में ले चुके हैं, 9 विकेटें टोटल वो इस टेस्ट मैच के अंदर ले चुके हैं। लेकिन क्या ही बैटिंग की है आज ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने। कल रात जब डे ऑफ होते होते भारतीय टीम के 84 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो मैंने जो आपको वीडियो बनाकर दी थी उसके अंदर यही वाली बात की थी कि अगर कल शुभमन गिल आते ही आउट हो गए, 100 रन से पहले आउट हो गए, तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा 150 भी बनाना। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर शुभमन गिल खड़े हो गए तो इंडिया स्ट्रांग पोजिशन में आ जाएगा, और आज यही हुआ। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जो पार्टनरशिप थी, अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल ने इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब अपनी सेंचुरी की बारी आई तो 90 रन बनाकर वो आउट हो गए। ऋषभ पंत ने 60 रनों की खेली और नीचे से आके वाशी सुंदर ने जो इनिंग्स खेली 20-30 की वो भी काफी ज्यादा क्रूशियल थी। तो ओवरऑल इंडिया की टीम ने 265 रन बनाए, जवाब जो कि न्यूजीलैंड का पहली इनिंग का 235 रन का स्कोर था। और अब न्यूजीलैंड के 9 खिलाड़ी आउट कर दिए भारतीय टीम ने, शुभमन गिल की कमाल की बैटिंग, ऋषभ पंत की कमाल की बैटिंग, और उसके बाद भारतीय टीम की गेंदबाजी, खास तौर पर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी, मतलब इस टेस्ट मैच के अंदर जडेजा ने जो किया है वो काफी ज्यादा तारीफ के काबिल है। अब ये इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी वजूहात की वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो सीरीज भारत के हाथ से निकल चुकी है पहले दो टेस्ट मैचेस हारने के बाद, लेकिन गौतम गंभीर एज अ कैप्टन इस मैच को जीतना, एज अ कोच इस मैच को जीतना चाहते हैं, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इस मैच को जीतना चाहते हैं। एंड बिफोर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि इंडिया ने इन ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलनी है, उस सीरीज से पहले भारतीय टीम वाइट वॉश नहीं होना चाहेगी। और मैंने जैसे आपको सबसे पहला रीजन बताया, इन सारे रीजन को भी अगर आप साइड पे कर दें तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है उस वजह से इंडिया के लिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया अब राइट नाउ जो सिचुएशन है मैच की, मैंने जैसा बताया 143 रनों से आगे है न्यूजीलैंड, आखिरी विकेट है, एट मोस्ट जो है ना वो न्यूजीलैंड कितना बना लेगा, मतलब 160 से आगे तो टारगेट नहीं होने वाला भारत के लिए जो मुझे अभी लग रहा है। अब ये जो टारगेट है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं टारगेट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि इंडिया के लिए आखिरी इनिंग्स के अंदर 150-160 रनों का टारगेट भी बहुत मुश्किल होगा। वो उसके पीछे वजह है जो टीम ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर एक बार 46 पर ऑल आउट हो गई है, एक बार 150 पर ऑल आउट हो गई है, तो फोर्थ इनिंग के अंदर प्रेशर तो रहेगा इंडिया के ऊपर। फिर ऊपर से आपके ध्यान में ये वाली चीज भी है कि घर पर आपने वाइट वॉश नहीं होना, तो इतना आसान तो नहीं रहेगा। हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेम्परामेंट का टेस्ट रहेगा कि आप अपनी टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये सिचुएशन है, जब 150 रनों का टारगेट है आप परफॉर्म करो, अपनी टीम को वाइट वॉश से बचा लो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच जीत गया तो तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो जाएगा कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत अपने घर में वाइट वॉश हो जाएगा, और ऐसा जो दाग है वो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी लग चुका है 2022 के अंदर, तो अब इंडिया चाहेगा कि ये दाग जो है वो अब इंडिया के ऊपर भी लग जाए। और वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो रिलेटिवली वीकर ओपोनेंट है जिन जिन टीमों को इंडिया ने अपने घर में पिछाड़ा है उनके मुकाबले में, तो न्यूजीलैंड के हाथों अगर आप व्हाइट वॉश हो गए तो ये अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं रहने वाली है। वेल प्लेड बाय रविंद्र जडेजा, वेल बोल्ड बाय रविंद्र जडेजा, एंड ऑल्सो वेल प्लेड बाय शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत। अगर शुभमन गिल और ऋषभ पंत की वो पार्टनरशिप ना होती तो भारत आज इतनी स्ट्रांग पोजिशन में ना होता। ऑल्दो मेरी नजर में अभी भी कोई भारत बहुत स्ट्रांग पोजिशन में नहीं है, आखिरी इनिंग के अंदर ट्रिकी विकेट है, गेंद टाइट हो रहा है, 15 विकेट आज गिर गई, आप इसी दिन दादा लगा लें तो उस विकेट के ऊपर आखिरी इनिंग में 150 रन बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।